शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे लगता है हमें सोम को सपोर्ट करना चाहिए। उसने कभी गाना सीखा है जो तुम उसको कंपटीशन में भेजने की सोच रही? मुंबई तुम्हारे सपनों की नगरी है, तुम जाओ अपना सपना पूरा करो और मेरा ये सपना सच होगा। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वाइफ एंड सन। थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस। सो मास्टर क्लास में म्यूजिक, पनिशमेंट, सबको सारा दिन गाना होगा, सारा दिन। तो शुरू हो जाओ। नाइस, नाइस, डोंट मूव। You want to be a rock star, huh? Punishment! सब ऐसे ही खड़े रहेंगे सारा दिन। And you, follow me. Believe me, sir. मैं आप जैसा बनने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि बड़ा होकर मुझे आपके जैसे ही इसी स्कूल का प्रिंसिपल बनना है। You are my idol, Hitler sir. हाँ? अरे फिर हुआ क्या? फिर क्या? हिटलर पिघलकर गांधी जी बन गया। संकी है संकी, किसी दिन खुद का ही कोर्ट मार्शल कर देगा। वाओ, फिर तो अगला प्रिंसिपल मैं हूँ। Hey guys, I'm getting late. मैं जा रही हूँ। अरे रुको ना, तुम चली जाओगी तो हमें झंडी कौन दिखाएगा? Not again. Don't you guys get bored of doing such routine activities? What bored? Life is a race, ma'am. भाग लो या भाग लो। मतलब? मतलब कि जो जीता वही सिकंदर। सुनो सुनो सुनो, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, रुमाल निकालो। एक रेस हो जाए उस चोटी तक। ये! Are we ready? Yes! Are we ready? Yes! Are we ready? Yes! Get set go! अबे खाना है तो जैम लगा के खाना। तुम भी लगाओ। हे गाइस, वो देख तेरे घर यहां से भी दिखता है। ये देख आ गए। क्या सोच रही हो उशी? सोच रही हूँ, रोज साइकिल की रेस में हम लोग एक दूसरे से हारते जीतते रहते हैं, लेकिन जिंदगी की रेस में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन क्या बनेगा, कभी सोचा है? मैंने तो सोच लिया, मैं तो डाइटिशियन बनूंगा। और सोम तुम? फाइटर पायलट। हैं? फाइटर पायलट? कल तक तो तुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना था ना। कैंसिल। सुकोई 30 का कॉकपिट देखा है? इतने सारे बटन्स, इतने सारे स्विचेस, किसी भी स्पेस साइंटिस्ट से कम नहीं है। फाइटर पायलट डिसाइडेड। मेरा तो फिक्स है। आई वांट टू बी अ रॉक स्टार एंड टुमारो इज माय डी डे। तो तुम सब लोग चल रहे हो ना मेरे साथ? चलोगे ना? हाँ, चलोगे ना? कितना मस्त है ना? मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे को रिजेक्ट करते हैं। मेरा पति जर्नलिस्ट है, इन लोगों के बैंड बजा देंगे।
मंजीत कौर खाने तो जैम लगा के खाना। अक्ष कुमार जी आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो? रुक जाओ मैं आपको ऑरेंज जूस देता हूँ, फुल ऑफ विटामिन सी एंड B6, इट विल कंट्रोल योर नर्वसनेस। यार हमटी एक काम करना यार, एक बार ही पूछ के आना, कल भी ऑडिशन है ना। Are you nuts? कल भी स्कूल बंक कराएगा? अक्ष प्राइम योरसेल्फ, तेरी बारी आने वाली है। चक्के फटे डूड, हमारा गैंग ऑफ फोर शुड रॉक। क्या नौटंकी है भाई, हम लोग यहाँ पर टाइम पास करने बैठे क्या? सर आप प्लीज ऐसा मत बोलो सर। तू गा नहीं रहा था, तू चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था कि जब पैदा हुआ था ना तो 12-13 कौवे के अंडे खा चुका था। तू ये फील्ड में मत आ, क्योंकि अगर तू सड़क पे भी जाएगा ना तो कोई तेरे को भीख भी नहीं देने वाला है। नहीं सर आप तो मेरी बहुत बहुत टिका के बेइज्जती कर रहे हो सर। तू ऐसी है इसी लाइक मैं बहुत अच्छा गाता हूँ सर। नहीं 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 भाई, अभी सुन यार, अबे एक्स रुक ना यार। एक्स क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? आई एम फीलिंग प्यूकिश यार, लगता है मैं गा नहीं पाऊंगा। व्हाट? यू कांट डू दिस स्टूपिड, ये Jio4 की इज्जत का सवाल है। कंटेस्टेंट नंबर 76 आकाश कुमार। आकाश कुमार जी प्लीज जाओ। गाइस कैन यू सी दैट आई एम वोमिटिंग यार, एक्स वी कैन नॉट डू दिस यार। आई हैव एन आईडिया, सो यू गो एंड सिंग ऑन हिज बिहाफ। व्हाट? हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, किसी को क्या पता आकाश कुमार कौन है। हाँ। तू एक काम कर, तू ये जैकेट पहन और जा। क्या बात कर रहे हो यार, जल्दी पहन। ये क्या बात कर रहे हो यार, अरे छोड़ो यार मुझे, बट दिस इज सो स्टूपिड यार, मुझे तो खाना भी नहीं आता, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। उससे ज्यादा अभी हो रही है। और भी खाऊंगा क्या? सारे जहाँ से अच्छा खा देना, अभी जाओ। आओ तानसेन जी, बड़ा टाइम लगा दिया, तानपुरा ट्यूनिंग कर रहे थे क्या? चलो सुनाओ। आहा, आहा, क्या सुर पकड़ा भैया, दिल को छू लिया। सावन दादा कुछ कीजिए ना प्लीज। जी देखता हूं, कुछ बोलो। क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलो यार, साउंड चेक कर रहा हूं। हेलो एवरीबॉडी, लेट मी मेक अ कन्फेशन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके शुरू हो जाओ। चित चोर करे बदरा, घन घोर मतवारे बदरा, तो ए देख देख फूलों का महके अजरा, तो ए सोच सोच बहारों का बहके कजरा, कोई खींचे डोर मुझे तेरी ओर, तेरी ओर, कारे कारे बदरा। हो बस 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 बस। सुपर सुपर माइंड ब्लोइंग। सच में दोस्त बहुत अच्छा गाया। Thank you, sir. You are selected for the next round. Welcome to Naga Rocks. Rockstar बनना था मुझे और बन गया स्टोमिंग बन गया। हमें ना आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। जय हो जय हो दामाद भाई। हो। रुक जाओ। फोकस तुम। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों का इंतजार। क्यों? क्या हुआ? सुबह से निकले हो, घर पे एक फोन तो कर देना था ना, सबके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। शिट यार, आज तो मुझे घर में जूते दी रोटी और चप्पल और साग मिलेगा। तुम सबके घर वालों को तो मैंने समझा दिया, लेकिन सोमू तुम्हारे पापा को समझाना बहुत मुश्किल, बहुत गुस्से में है वो। और टाइट स्लैप ऑन योर फेस विल क्योर यू। कहां थे इतनी देर? हां मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, मुंह में जुबान है कि नहीं? जवाब देते हो कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? साहब जी मेरी बात सुनिए, आज सोमू ने दामोदर, तुम्हें हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। ठीक है जी चला जाता हूँ, अपनी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। तुमने आज स्कूल बंक किया, यू लिसन टू मी सोम,
इस घर का ना कुछ डिसिप्लिन है, तुम खबरदार उस डिसिप्लिन से बाहर निकले तो। वाणी, इसे आज खाना नहीं मिलेगा। He doesn't deserve to eat. अब इस तरह स्टैचू बन के खड़े मत रहो। गलती हुई है, पापा को सॉरी बोलो। चलो। तू मुझे गुस्सा दिखा रहा है? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। ऐसे गुस्सा नहीं करते। पापा ने गुस्सा किया उसकी एक वजह थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तुम कहाँ हो, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। परेशान तो होगा ही ना कोई, हम्म? क्योंकि प्यार करते हैं वो तुमसे। सो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मम्मी पापा को तकलीफ हो। मॉम, मैं मानता हूँ मुझे आप लोग को बता के जाना चाहिए था, पर मैं कोई ऐसी जगह नहीं गया था जहाँ मेरे जाने से आप लोग को तकलीफ हो। फिर भी सारा दिन कहाँ थे, कुछ तो बताओ। मैं रागा रॉक्स के ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया। क्या? वो तो एक टीवी रियलिटी शो है सिंगर्स के लिए। हाँ, उनको मेरा गाना पसंद आया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? सचमुच? मॉम, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कौन सा गाना गाया? वही गाना जो आप हमेशा गुनगुनाती रहती है। कौन सा? कारे कारे बद्रा? गा के सुनाओ। नहीं, अभी अभी मेरा मूड नहीं है। ओहो, मैं बहुत प्लीज। माँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अरे नहीं, मुझे भी गा के सुनाओ। अच्छा सुनो। चित चोर कारे बद्रा, घनघोर मतवारे बदरा, तो है देख देख फूलों का महके अचरा, तो है सोच सोच बहारों का बहके कजरा, कोई खींचे डोर मुझे तेरी ओर, तेरी ओर। कारे कारे बदरा हो, कारे कारे बदरा हो, कारे। मॉम, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। एक तो ऑडिशन में इतना टाइम लग जाएगा मुझे पता नहीं था, और ऊपर से अक्स को गाना था, लेकिन मुझे गाना पड़ा। I swear it all happened accidentally. ये एक्सीडेंट नहीं है, तुम्हारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी। ओशी, ओशी आ गई, बस दो मिनट। Sam, congratulations, बच्चा, तूने तो कमाल ही कर दिया। Keep it up. देखना, तुम भी एक दिन अपनी मम्मी की तरह बहुत बड़े सिंगर बनोगे। I'll try my best. Yes. Keep it up. Yes, चले सो। चल। पापा आपका जूस टेबल पर रख दिया, पी लीजिएगा। I will. You go to school. Down. Okay. Out. Bye, Baba. Bye, girl. Bye. I like to move. कल तो मैं बिल्कुल डर ही गया था, लगा कि जजेस के सामने तगड़ी वाली बेइज्जती होने वाली है। बट फिर जिस तरह से उन्होंने मेरी तारीफ की ना, मजा आ गया। वैसे मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, है ना? तुम हो सिंगर सो, बस एक बार रागा रॉक्स जीत जाओ, फिर तो तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे। प्लेबैक सिंगिंग करोगे, लाइव रिकॉर्डिंग्स, टीवी शोज, पता नहीं क्या क्या। वाओ। पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होशी। लुक्स लाइक ब्लू माउंटेन्स, ये नीले पहाड़ दूर से तो बहुत पास लगते हैं, पर हकीकत में होते हैं बहुत दूर, इसीलिए दूर से ये नीले दिखते हैं। पर मुझे वहां पहुंचना है कैसे भी। अभी तक नाराज हो दामोदर?
साहब आपको बहुत प्यार करते हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना। मुझे पता है साहब जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और नाराज तो दूर, मैं तो बहुत खुश हूँ कि सोमू ने गाने का ऑडिशन पास कर लिया। देखना एक दिन वो आपकी तरह बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। आपको पता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आज भी आपका वो कारे कारे बदरा बहुत अच्छा लगता है। वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें धर्मेंद्र साथ में हेलीकॉप्टर उड़ाता है और हेमा मालिनी के लिए गाने भी गाता है? अगर वो पॉसिबल है तो हमारा बेटा भी सिंगिंग पायलट जरूर बन सकता है। साथ में हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, साथ में दुश्मनों पर बॉम्ब गिराएगा, और वो भी टीवी पे आएगा। पर ओम, रागा रॉक्स जैसे रियलिटी शो के ऑडिशन में सिलेक्ट होना कोई मजाक नहीं है। उसने अच्छा गाया है तभी तो। क्या अच्छा गाया? सिंगर बनना इतना आसान है क्या? उसने कभी गाना सीखा है जो तुम उसको कॉम्पिटिशन में भेजने की सोच रही हो? आपको पता है वहां जजेस कौन कौन थे? उन लोगों ने सोम में कुछ तो देखा होगा जो उसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किया? सो व्हाट? मुझे लगता है हमें सोम को सपोर्ट करना चाहिए। तुमको तो लगेगा ही, जब उसके सर पर क्रिकेटर बनने की सवार थी तब तुमने उसकी सपोर्ट नहीं की, फिर साइंटिस्ट बनने की सोची तब भी तुमने उसकी सपोर्ट नहीं की, लेकिन अब जब वो सिंगर बनना चाहता है तुम उसकी सपोर्ट कर रही हो। क्यों? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम यू यूज्ड टू बी अ सिंगर। क्या? आई यूज्ड टू बी अ सिंगर वंस अपॉन अ टाइम? नो ओम, आई स्टिल एम अ सिंगर। मैंने अपना करियर सैक्रिफाइस इसलिए किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं नाइट लॉन्ग कॉन्सर्ट्स करूं। इतने प्लेबैक के ऑफर्स ठुकरा दिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं मुंबई में रहूं। आप मुझे मुंबई से यहां ले आए, मैं खुशी खुशी आपके साथ आ गई, म्यूजिक को भुला दिया। इतने सालों में मैंने आपसे एक बार भी शिकायत की नहीं ना? क्योंकि मैं आपसे, अपने बेटे से और इस घर से बहुत प्यार करती हूं, पर मैं इस लेबल के साथ नहीं रह सकती कि आई यूज्ड टू बी अ सिंगर। मैंने म्यूजिक प्रोफेशनली छोड़ा है, पर मैं आज भी एक सिंगर हूं। वाणी, तुम चाहो तो अब भी अपना सपना पूरा कर सकती हो। नहीं ओम, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो मैं नहीं बन पाई अब वो मेरा बेटा बन के दिखाएगा, मेरा अधूरा सपना वो पूरा करेगा। म्यूजिक उसके खून में है। तुम गलत कर रही हो वाणी, अपना सपना अपने बच्चे के कंधों पे मत थोपो। मैं एक आर्टिस्ट हूं, टैलेंट परख सकती हूं। मैं सोम के हाथ से ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दूंगी। मैं उसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। ये मेरे लिए एक चैलेंज है, चाहे आप हमें सपोर्ट करो या ना करो। वाणी, तुम एक दिन पछताओगी। बैठो बैठो बैठो। गुरुजी, सोम को आपका आशीर्वाद चाहिए, अगर आप इसे संगीत सिखाएंगे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इसके साथ रहेगा, लेकिन वाणी, मैं इसे संगीत नहीं सिखा पाऊंगा। गुरुजी, बस एक महीने की तो बात है। इसीलिए तो मना कर रहा हूं बेटा। गुरुजी, मैं मन लगा कर सीखूंगा। देखो सोम बेटा, आजकल के बच्चों को सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट म्यूजिक, फास्ट गेम्स, फास्ट तालीम। शास्त्रीय संगीत एक साधना है, अपने अंतर मन को जानने का एक तरीका है। इसे सीखने के लिए सालों साल का रियाज करना पड़ता है। देखो तुम्हारी माँ ने कितने साल मुझसे सीखा, तभी तो इसकी आवाज इतनी अच्छी है। और जिस चीज को सीखने के लिए बेटा
एक उम्र कम होती है, तुम उसको एक महीने में सीख जाओगे। गुरुजी, मैं तो चाहती थी कंपटीशन से पहले ये कुछ शास्त्रीय। देखो, तुम भी तो मुझसे सीखी हो, तुम इसे सिखाओ। मैं? कोशिश करो, जितना भी सिखा सको। सागर ऑफ का ये जोनल कंपटीशन सुरों का कुरुक्षेत्र बन चुका है, रागों का महासागर बन चुका है। सुरों के इस मैदान में ऐसे ऐसे सुरीले खिलाड़ी उतरे हैं कि कह पाना बेहद मुश्किल है कि किसको मिलेगी मुंबई जाने की इजाजत। आज मैं इन्नी खोशा, तुहानु पता है जजस ने मेरा गाना ते मेरी आवाज बड़ी पसंद आई। होटों को से हाँ ऐसा ही कुछ समझ गए। हाँ, अरे आकाश, आकाश चलो। तेरे लिए हम हैं जिए, हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, और इन बच्चों की सफलता के पीछे सिर्फ उनके माँ बाप का ही नहीं बल्कि पड़ोसी, दोस्त, स्कूल, टीचर्स सभी का आशीर्वाद है। लेकिन देखते हैं फाइनली जजेस का आशीर्वाद किन बच्चों को मिला है। आप सभी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नॉर्थ जोन में हम तीनों जजेस ने तीन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है। उनके नाम है पूर्वी शहरावत, दूसरी पोजीशन पे हैं आकाश कुमार, एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट गुरिंदर सिंह। आप तीनों हमारे साथ मुंबई आ रहे हैं, वेलकम टू रागाउक्स, ऑल द बेस्ट। कुछ अच्छा भी नहीं कर रही हो तुम। अगले साल उसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। यही टाइम है जब उसको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, और तुम उसी समय उसके पीछे पड़ के उसको तानसेन बनाना चाहती हो। अपने बेटे के करियर के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। दो दो राउंड जीतने के बाद भी आप यही बोलेंगे कि सो में टैलेंट नहीं है? क्या मैंने जजेस की कुर्सी पे बैठ के उसे शॉर्टलिस्ट करवाया था? वाणी, बात सिर्फ सिंगिंग टैलेंट की नहीं है। वो जमाना और था जब सिंगर सिर्फ हारमोनियम पकड़ के लोगों को डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे गाना सुनाते थे और लोगों को पसंद भी आ जाता था। अब जमाना बदल चुका है। अब सिंगर्स को गाना गाने के साथ साथ पूरी स्टेज परफॉर्मेंस आनी चाहिए, स्टेज प्रेजेंस होनी चाहिए। और तुम्हारा बेटा तो कभी अपने स्कूल की स्टेज पर नहीं चढ़ा, तो तुमको कैसे लग रहा है कि इतने सारे लोगों के सामने लाइट्स और कैमराज के सामने परफॉर्म कर पाएगा? छोटे से शहर का लड़का और तुम सीधा उसको धकेलना चाहती हो ग्लैमर की इतनी बड़ी दुनिया में? कम ऑन वाणी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट हिज टाइम, गेट इट आउट ऑफ योर हेड। नहीं, मैं नहीं। इतने दिनों के बाद तो कोई सपना सच होता दिख रहा है, और मेरा ये सपना सच होगा ही। सोम को रागा रॉक्स जीतना ही होगा। आप लोगों के पोस्चर्स बहुत खराब है। सिमी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई डोंट यू चेक देयर पोस्चर्स? नाउ कम ऑन एवरीबॉडी, फॉलो मी, गिव मी परफेक्ट बैंड, परफेक्ट पोस्चर्स, गो वन, गो टू, थ्री, टेक अ प्रॉपर वेव, अप, बैक, jump, got it? Yes, sir. Music. One, two, three, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Vani, do you know how busy I am? I really don't have time for new students. But आप खुद आई हैं, तो बात कुछ और है। All this will call for a certain expense. How would you like to pay me? By check or by cash?
चेक। देखना, मैं सोम को इस तरह से ग्रूम करूंगा कि लोग उसे बस देखते रह जाएंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर माय बॉय। सोम, मैंने सुना है कि तुम अच्छे सिंगर हो, नो डाउट। आखिर बेटे किसके हो? बट सिर्फ सिंगिंग से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू लर्न टू बी अ टोटल परफॉर्मर विद म्यूजिक, डांस, स्टेज क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम, स्टाइल। यू नीड टू क्रिएट अ कंप्लीट मैजिक, मैजिक ऑन द स्टेज। इफ यू आर रॉकिंग, योर ऑडियंस विल रॉक, दे वांट धमाल, धमाल ऑन द स्टेज। एंड दिस मयंक कपूर विल टीच यू डू दैट। भीनी भीनी भोराई भोराई, भीनी भीनी भोराई। जैसे जौहरी को अच्छे हीरे की पहचान होती है, वैसे ही मैं टैलेंट को देखते ही पहचान जाता हूँ। और सोम, आकाश कुमार, इसे तो मैं देखते समझ गया था कि ये एक नायाब हीरा है। He's a star in the making. Yeah. क्या था? और देखो क्या बना दिया। मुंबई जाने तक का इंतजार कीजिए और वहां जाके देखिए ये क्या जलवा करता है। चलें? And by the way, मेरे बारे में ना कुछ भी डायरेक्टली मत लिखना। स्मार्ट पीपल, ना पता चल ही जाएगा। इनडायरेक्ट प्रमोशन। करेक्ट। आकाश कुमार, पॉपुलरली नोन एज सोम शर्मा, इन हिमाचल प्रदेश हैज क्वालिफाइड द जोनल कॉन्टेस्ट ऑफ रागा रॉक्स एंड विल बी सून परफॉर्मिंग इन द फेमस सिंगिंग टीवी रियलिटी शो। रागा रॉक्स इज अ पॉपुलर। मैगजीन्स क्लासरूम में अलाउड नहीं है। पनिशमेंट। सब ऐसे ही खड़े रहेंगे सारा दिन। To be a singer, but music तो मेरे खून में है। आज मैं बॉलीवुड में अक्षय कुमार के लिए प्लेबैक करता हूँ, यहाँ तक कि सलमान खान भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए गाऊं। So it's just so amazing. Autograph please. Oh yeah, sure. Nice pen, huh? Nice one. Autograph please. Oh sure. Som, अरे Som. Som, हमने ना तेरे लिए कुछ autograph design किए हैं, तू ना इनमें से कोई एक select कर ले। अच्छा। हाँ देख लो। भाई मेरे, ये सब तेरे नाम के ऑटोग्राफ हैं, मैं तेरे नाम से ऑटोग्राफ थोड़ी दूंगा। अरे यार देख, मेरा नाम अक्षित है और मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म हुआ अक्स, और तेरा फिल्मी नाम जो है उसका नाम आकाश है और उसका शॉर्ट फॉर्म भी हुआ अक्स, तो आकाश अक्स, तो तू अक्स लेना यार। बाप, ऐसे थोड़ी होता है। मैं सोच रहा हूँ अक्षय कुमार को लोग प्यार से अक्की बुलाते हैं, तो मैं अपना नाम अक्कू रख लेता हूँ, आकाश का अक और कुमार का कु। ऑटोग्राफ भी इसी नाम से दूंगा। क्यों, कैसा है आइडिया? मस्त आइडिया है यार। तू ना मुझे अपने सेक्रेटरी बना ले। और मुझे भी। ओके, सो सेक्रेटरीज गो एंड पैक माय बैग्स। गो 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 गो। और वो बॉल जरूर रखना। यस बॉस। ओए इधर दे, ये ले, ये निकाले। क्या हुआ तुम्हें? यार ये तरबूज होता तो कितना अच्छा होता। कुछ नहीं। कुछ तो है, क्या हुआ? तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आई विल कॉल यू एवरी डे, आई प्रॉमिस। सोम, सोम। जी पापा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस पैकिंग कर रहे थे। अपनी बुक्स पैक करना मत भूलना। जी पापा। वहां जो करने जा रहे हो कभी काम आए ना आए, बुक्स पूरी उम्र काम आएंगी, समझे? ओम, वुलन कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी,
मुंबई में ठंड थोड़ी होती है। हाँ लेकिन कश्मीर में होती। कश्मीर? आप कश्मीर जा रहे हैं? और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारे पास मेरी कोई बात सुनने का वक्त ही कहाँ है? और हमारा मुंबई जाने का क्या होगा? मुंबई तुम्हारे सपनों की नगरी है, तुम जाओ अपना सपना पूरा करो। मेरा सपना? और सोम का करियर कुछ नहीं? ये सोम का करियर नहीं है, ये तुम्हारा सपना है जो तुम पूरा करना चाहती हो सोम के जरिए। क्यों बुलाया? मैं तुम्हें एक बार अच्छे से देखना चाहती थी एकांत में। देख लिया, अब जाऊं? अरे वहां पर सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों में तुम मुझे टीवी पर भी तो देखोगी। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ जो तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। मूड रिंग। इसे पहनकर जब तुम टीवी पर गाओगे ना तो मुझे लगेगा कि मैं तुमसे दूर सही और तुम्हारे पास हूँ। राधा रोक्षी इतना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी सपना है जिसे तुम पूरा करोगे। ब्लू माउंटेन जब तू नहीं सो, सून यू विल बी अ सिंगिंग स्टार। तब अगर मैं तुम्हें भूल गया तो? मुझे भुला पाओगे? कभी नहीं। श्योर अ स्वीट हार्ट, मिस यू। मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन चमकता वही है जिसके ऊपर मुंबा देवी का हाथ होता है। गिव योर बेस्ट, क्योंकि तुम्हारे स्टार बनने के फुल चांसेस हैं। मुझे तुम में दिखाई देता है कल का सिंगिंग सुपरस्टार। रॉक्स, मैं माधवी श्रीवास्तव लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा म्यूजिकल शो जिसमें हर पार्टिसिपेंट के लिए एक ही एपिसोड होगा, फाइनल एपिसोड, क्योंकि एक नॉकआउट शो है। तो आइए शुरू करते हैं रागा रॉक्स का पहला एपिसोड, हिमाचल की शान आकाश कुमार। देख देख फूलों का महके
तो ही सोच सोच बाहरों का बह गए कजरा, कोई खींचे डोर मुझे तेरी नितिन जी, आपको कैसे लगा? आकाश, तुम्हारी उम्र से तो मुझे ये लगता ही नहीं था कि तुम ये क्लासिकल गाना गा पाओगे। बहुत दूर तक जाओगे आकाश अपनी लाइफ में। And this is what I have for you. सपना जी, आकाश आप उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने इतना बढ़िया क्लासिकल बंदिश लिया मोंटी जी का कि मुझे लगता है आने वाले वर्षों में आप बहुत बहुत नाम करेंगे, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं आपको इतने नंबर दूंगी 10। मोंटी जी, आप क्या कहेंगे? आकाश आपने बहुत बहुत बढ़िया गाया। थैंक सो मच। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पोजिशंस। इसको मैंने ही कंपोज किया था। ये गाना सुन के मुझे इस गाने की ओरिजिनल सिंगर थी उनकी बहुत याद आई। उनके बहुत करीब गाया आपने। किसने सिखाया आपको ये गाना? सर मेरी मॉम ने सिखाया मुझे। ओ, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेट्स बोलना आपकी मॉम को, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाया। सर वो आई हुई है तो आप खुद ही बोल दीजिए। ओ माय गॉड, वाणी जी, वाणी शर्मा जी, शी इज द ओरिजिनल सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। माधवी, we are glad to have you here, Vani ji, and request her to sing the song. Vani ji, हमारी ऑडियंस, जजेस और पूरी दुनिया आपकी आवाज फिर से सुनना चाहती है। प्लीज मैम, जस्ट सिंग फ्यू लाइंस फॉर अस। गो गो बैक। चित चूर करे बदरा, आपको वहां होना चाहिए था। मुझे कब और कहां होना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। Just wait and watch. हेलो पापा, आपने मेरा शो देखा? आई स्कोर्ड फुल मार्क्स। जजेस को मेरा गाना बहुत पसंद आया। कांग्रेट्स बेटा, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना। जी पापा। लाओ। जी 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 पापा, पापा मम्मी। ओम, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। ओम, आप घर पर ही हो ना? वाणी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? पापा थोड़े बिजी है ना। जय टेसरी साहब जी। साहब जी एक बात बोलूं, जिसकी किस्मत में जो बनना लिखा होता है वो वही बनता है। हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कल सोमू ने क्या गाया देखना, एक दिन वो बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। तुझे सब कुछ पहले से ही पता होता है ना, इसीलिए बच्चों ने तेरा नाम रखा फोरकास्ट। तो फोरकास्ट जी, कभी ये सोचा है कि जो आप कहते हैं वो सच ना हो तो फिर क्या होगा? गलत नहीं होगा, आप देख लेना। चल छोड़, मेरा काम करेगा? जी बोलिए। मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स ले आएगा? हाँ हाँ, कितने लाऊं साहब जी? ले आ 20-25 पैकेट। अब तो तेरे दूध और कॉर्नफ्लेक्स से काम चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, जी जी अभी लेके आया। आइए
इस एपिसोड को शुरू करते हुए आ रही है जवा दिलों की धड़कन, सबके दिलों पर राज करने वाली, हिंदुस्तान में पैदा हुई, जर्मनी में रहने वाली सेंसेशनल हंसिनी। सुपर परफॉर्मेंस हंसिनी, हम सबको तो हंसिनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि जजेस को हंसिनी का परफॉर्मेंस कैसा लगा। सपना जी, वेरी गुड हंसिनी, आई एम गिविंग यू स्पेशल ब्राउनी पॉइंट्स 10। नितिन जी, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हंसिनी, बीइंग अ परफॉर्मर टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ गुड सिंगर, एंड द वे यू डांस्ड अलोंग विद योर सिंगिंग, हैट्स ऑफ टू यू एंड हियर आर माय पॉइंट्स। Hansini, I feel that you are simply fabulous and what you deserve is... Thank you. No. You deserve a 10 out of 10. आयो जी मैंने राम रतन धन, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। अरे ओम, सोम का शो नहीं देख रहे यार? सच सच बता, तेरा बेटा इतना कमाल का गा रहा है टीवी पर, सारी दुनिया उसे देख रही है और फिर भी तू खुश नहीं है। यार मेरा सपना होता तो मैं खुश होता ना। सोम की उम्र इस वक्त पढ़ाई करने की है, ना कि ऐसे शोज। और जब ये शो खत्म होगा, इट विल बी इम्पॉसिबल टू गेट हिम बैक टू हिज स्टडीज। बस गई पढ़ाई। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिंगर बने यार, ये भी कोई करियर है सिंगिंग? सो ब्लडी अनस्टेबल। क्या क्या प्लान्स किए थे मैंने, सोचा था वो स्कूल खत्म करेगा तो किसी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगा उसे, ये करूंगा वो करूंगा। उसकी मम्मी ने तो, भाभी ने जो कदम उठाया ना, सोच समझकर उठाया है। यार ओम, योर सन इज अ टैलेंटेड सिंगर, ही इज ऑलरेडी बिकम अ हाउस होल्ड नेम, म्यूजिक इंडस्ट्री बूम पर है। जरा सोचो तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो रियलिटी शो से उभर कर आज सिंगिंग स्टार्स बन चुके हैं, छोटी उम्र में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इट्स बेटर टू बी अ पार्ट ऑफ अ हाई पेइंग अनस्टेबल प्रोफेशन रादर देन अ low paying stable profession. Yes, you should be proud of your wife and son. Papa, आप लोग क्या कर रहे हो? आज भी तीनों जजेस ने सोम को 10 out of 10 दिए। जल्दी नीचे आ जाओ। Oh, 10 out of 10. आ रहे हो? हाँ, तू चल बात हो। Good. Come on, Sam. You know you can do it. Come on, Sam. Woo! Cheer for you. मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद। I hope I didn't miss anything. Yeah, you did. क्योंकि मैं ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहता हूँ, सो प्लीज वोट फॉर मी। टाइप कीजिए आकाश एंड सेंड इट टू 36363। थैंक यू। वोट मांग रहा है। मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं ना, सबको फोन करो। ऐसे एक एक करके कब तक सबको बोलते रहेंगे कि सोम को वोट दो। हे गाइस, आइसक्रीम खाओगे? फुल ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड शुगर। तुझे खाने की बड़ी है यार, तू ये सोच कि हम सबको कैसे मोटिवेट करें जिससे कि वो सोम को वोट दे। सोचता हूँ आइडिया। क्या? एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब मुझे अनाउंस करना होता है
आज के इस एपिसोड के विनर को। मेरे पास है रिजल्ट और सबसे ज्यादा ऑडियंस के वोट बटोरते हुए आइए ना आइए। इस एपिसोड की विनर है आकाश कुमार। मुझे ना मयंक सर का कॉल आ रहा है। आई विल कॉल यू बैक। मुझे भी देखना है। सोम हेलो हेलो मयंक सर। हेलो माय बॉय कहाँ हो? सर मैं तो अपने होटल में हूँ, आप भी आ जाओ ना यहाँ। यू रियली वांट मी देयर? हाँ सर आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना। ओके जस्ट टर्न अराउंड। ओ माय गॉड मयंक सर कम champion. What a surprise, sir. Well, that's the greatest gift which I can grant you, my boy. Thank you, sir. I'm so happy. So tell me, how's it happened? Very nice. सबको गाना अच्छा लग रहा है. सपना जी आप यार गीत का कितना टाइम लगेगा हंसनी को? सभी कंटेस्टेंट्स जो हैं उसे लेकर जल्दी आओ ना। अरे नहीं नहीं यहाँ पे जजेस सारे रेडी हैं। आज तुम लोग ना मुझे डांट पड़वाओगे। अरे लिफ्ट छोड़ो और सीढ़ियों से आ जाओ। ठीक है? आकाश जब आप गाते हो और स्पेशली जब आप हाई नोट्स गाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्रेथ कंट्रोल, क्योंकि अगर आपका ब्रेथ कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी वॉइस क्रैक होगी। और दूसरी बात, आज की तारीख में आपको क्लासिकल गाना है, आपको पंजाबी गाना है, आपको पॉप गाना है, आपको रोमांटिक गाना है। क्या गीता नंबर हिट कर दी आज? जल्दी कंपटीशन जीतने के लिए ये बहुत जरूरी है। आकाश आपका सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बेटर होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आपको भी ना पेपी नंबर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हंसनी को ही देख लो, शी ओनली सिंग्स पेपी नंबर्स एंड पीपल लव टू डांस विद हर। देखो आकाश तुम्हें ज्यादा वोट्स तब भी मिलेंगे जब तुम वैसे गाना गाओगे जो लोग सुनना चाहते हैं। ओह माय गॉड Hey baby, calm down. What's happening? Mom, they're cheating. This is not fair.
Mr. Monty Sharma suggesting Akash to sing my kind of songs. Then my votes are going to be shared. I cannot tolerate this. I don't want to be part of this contest. Take me back home. I just want to withdraw. No, baby. Never ever give up. And remember, if you want to win the race, distract the attention of your rival. Winners don't do different. They do differently. Your mood ring's color shows that you're a little bit confused today. Actually, I am confused. I don't know what to do in this situation. My mom, even my mentors, are telling me to sing classical songs in the semi-final. But the judges are advising me to sing some pop and peppy numbers. Well, Akash, listen. I think you are amazing and just brilliant in your Indian classical songs. Anyone can do my kind of song, but your kind of songs are quite unusual. Participants dare to choose. If you listen to me, I would say you should stick to your genre, Indian classical. It suits you. क्या हुआ आकाश? गाओ गाओ, एक बार फिर से गाओ। नो 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 मॉन्टी जी, आई एम वेरी सॉरी, ये फिर से नहीं गा सकता। He's a fabulous singer, एक चांस तो मिल ही सकता है उसको। मॉन्टी जी, with all due respect, as far as I know, ये शो जो है ये नॉकआउट शो है। रूल इज अ रूल। अगर आप इसे गवाना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, जितने भी एलिमिनेट हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, उन सब पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं और एक एक चांस और देते हैं। क्यों सपना जी, आपका क्या कहना है? You are right, Nitin. आकाश, we are very sorry.